हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन। अभी दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि अपना ई श्रम कार्ड कैसे डिलीट करेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। इससे पहले ये जान लें कि आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने जाने वाले हैं, तो अपना ई श्रम कार्ड जरूर डिलीट करें। नहीं तो आपका पीएफ अकाउंट, यूएन अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, आप और परेशान हो जाएंगे और पीएफ बिल्कुल विड्रॉल नहीं कर सकते। आइए डिलीट प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको प्रोसेस समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें, उसमें सर्च करें श्रम कार्ड या ई श्रम। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट वेबसाइट ई श्रम.gov.in, इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ई श्रम कार्ड का ये आधिकारिक वेबसाइट है। पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट ऑप्शन शो कर रहा है, इसको क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि दूसरे टैब में ओपन हो चुका है। दोस्तों इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यूएन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों जब आप श्रम कार्ड बनवाए थे उस श्रम कार्ड पे जो भी नंबर आपका लिखा हुआ था वही यूएन नंबर है। दोस्तों अपना श्रम कार्ड नंबर जो कि यूएन नंबर है उसको यहाँ पे डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास श्रम कार्ड नंबर यूएन नंबर नहीं है तो इससे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे 3 डॉट पे। दोस्तों इसमें देखेंगे कई सारा ऑप्शन खुल गया है। इसमें थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे में देखेंगे एक और ऑप्शन खुल गया है, अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, इस ऑप्शन को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। चलिए मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और दिया हुआ कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर ओटीपी में एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ओटीपी आ चुका है, चलिए एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसी इंटरफेस में आप देखेंगे कि आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, चलिए आधार नंबर एंटर करते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम ओटीपी का यूज़ करेंगे, इसलिए ओटीपी ऑप्शन लेके हम आगे बढ़ेंगे। ओटीपी ऑप्शन क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और दिया हुआ कैप्चा कोड को एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों सबमिट करने के बाद दोबारा से आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को प्लीज़ एंटर ओटीपी में एंटर करें। आप देख सकते हैं कि ओटीपी आ चुका है, चलिए ओटीपी एंटर करते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि आपको पूरी डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ मार्क करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि मैं ई श्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, पहले दी गई मेरी आधार सहमति रद्द करें। क्लिक हियर पे क्लिक करके पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ में पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ई श्रम डाटा आपका हटा दिया जाएगा, उपलब्ध नहीं रहेगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे, अपडेट ई KYC इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद ऊपर में देखेंगे यस नो का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर यस पे क्लिक करिए। इस तरह आपका सक्सेसफुली प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह आपका श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा और डाटाबेस से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करिए। इस तरह आपका श्रम कार्ड डिलीट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।